बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट जे एंड के गवर्नमेंट एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी। मेरे साथ सीनियर स्टेट यूनियन लीडर यशपाल शर्मा जी, कुलवंत सिंह जी और दीगर साथी। सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा रोल है, क्योंकि हर वक्त ये हमारी बात को सरकार पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, डेली वेजरों का जो एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, जो पिछले 20 साल से लगातार जो भी सरकार आई है उसने इनको चक्की में पीसा हुआ है। ये बड़े दुख की बात है। सरकार ने अगर कुछ पोस्टें 10,000 जो पोस्टें निकाली हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर पिछले 20 सालों से जो भी सरकार आई उन्होंने उसको चक्की में पीसा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। अगर जम्मू कश्मीर को यहाँ यूटी बनाया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ मिनिमम वेजेस पॉलिसी भी यहाँ लागू नहीं हुई है। इसके साथ यहाँ कंट्रेक्चुअल टीचर और लेक्चर जो काफ़ी टाइम में प्रेस क्लब के अंदर और कश्मीर में काफ़ी टाइम से लगातार हड़ताल पर बैठे, लेकिन जो भी सरकार आई उन्होंने सिर्फ झूठे अश्योरेंस दिए, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं मुलाजमों के, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं या किसी भी कैटेगरी में हैं, या कंट्रेक्चर टीचर हैं, लेक्चरर हैं, जितने भी हैं, ये मुलाजमों के जो है जेन्युइन डिमांड्स है। एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर में जो है पिछले 20-30 सालों में से मुलाजमों के जो है जो हकूक हैं उनके लिए लड़ाई करती रही, और आगे भी आने वाले दौर में सबसे अहम मुद्दा जो है वो डेली वेजरों का है, कंट्रेक्टर टीचरों का है, लेक्चरों का है, आंगनवाड़ी वर्करों का है। हम ये कहना चाहते हैं ये मुलाजमों के जो मसले हैं ये प्रायोरिटी पर हल होने चाहिए। अगर सरकार इस चीज़ को हल नहीं करती तो एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी जो आगे आने वाले दौर में, शायद अगर सरकार ये नहीं करेगी तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि ये अहम जो मसले हैं। अभी तक सरकार ने जो अगर हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि कोलिशन सरकार जब थी उन्होंने नई मसले हल किए, अगर यूटी बना है तो आप ये मुलाजमों के जो मसले हैं, डेली वेजरों के मसले हैं, आंगनवाड़ी वर्करों के मसले हैं, कंट्रेक्टर टीचरों के, लेक्चरों के जो मसले हैं, ये मसले हल होंगे या होम गार्ड वाले लोग होंगे, लेकिन अभी तक यहाँ अगर यूटी भी बनाया गया है लेकिन अभी तक मसले हल नहीं हुए। हम ये कहना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुलाजमों के जो मसले हैं ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए, और डेली वेजरों के लिए कोई ठोस पॉलिसी बननी चाहिए। अगर नहीं बनती तो एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी डेली वेजरों के साथ शाना बशाना चलेगी, तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ की स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि मुलाजमों की।